गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास एट्थ के सब्जेक्ट एसोसिएशन हिस्ट्री चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियन इंडस्ट्री, विच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी सी इन आवर कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में हम लोग क्या क्या भेद देखने को अंतर हमें दिखाई पड़ता है। तो ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मेक दे गिवन एन प्रोटेक्शन बाय द ब्रिटिश। और कहने का है मतलब है जो अंग्रेज सरकार यहाँ भारत में शासन कर रही थी, भारतीय उद्योग और यहाँ के जो उद्योगपति थे उनके साथ हमेशा भेदभाव किया करती थी। अधिकतर कुछ क्षेत्रों में ही कारखाने छोटे मोटे लगाए गए, अधिकतर क्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं लगी थी। देर इज ए लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री, देखते हैं भारी उद्योगों की बहुत कमी थी। उसमें माइनिंग और शिप बिल्डिंग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था इसमें, और ख़ास करके इसमें ओनली अटेंशन वर गिवन ओनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सम इंडस्ट्री सच एज जूट एंड टेक्सटाइल। खास करके जूट और सूती वस्त्र उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था क्योंकि इसकी डिमांड भारत के साथ साथ बाहर भी ज़्यादा थी। नाउ डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन एंड लाइसेंसेस। और क्या भेदभाव देखने को मिलता था, भारतीय उद्योगपतियों को कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस और जल्दी नहीं मिलता था, उनको पैसे लोन की सुविधा उनको नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज ओनली द ब्रिटिश नेशनल्स टू सेटअप इंडस्ट्री इन इंडिया इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इंग्लिश कुड टेक एडवांटेज एंड ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज। और अंग्रेज अगर भारतीय उद्योगों को मदद भी करते थे तो केवल भारत कोशिश इनकी होती थी अंग्रेजों को ही मदद की जाए उद्योग स्थापित करने में, क्योंकि जो रेवेन्यू आएगा अंग्रेजों के पास जाएगा और इंग्लैंड के पास पहुंचेगा। तीसरा देखते हैं, भारतीय जो उद्योगपति थे और जो उद्योग था उनके साथ हमेशा भेदभाव देखने को मिलता था। इंडियन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री स्टार्टेड बाय द इंडियंस वेयर सेल्फ फिनांस्ड एंड दे कुड नॉट अवेल एनी लोन फैसिलिटी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अधिकतर जो भारतीय उद्योग जो शुरू किए जाते थे अधिकतर इसमें भारतीय पैसे लगे होते थे और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसमें कोई मदद नहीं दी जाती थी। नाउ वी सी ए न्यू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और जब भारत में उद्योग धंधे स्थापित हुए, कल कारखाने लग गए, तो हमें दो तरह के वर्ग लोगों को देखने को मिलता है। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया लेड टू द इनकरेज द टू क्लासेस, द ओनर और द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स। जब भारत में उद्योग धंधे शुरू हो गए तो दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं, एक जो कैपिटलिस्ट जिनके पास कारखाने थे और दूसरे मजदूर जो किसान खेतों ये कारखाने सॉरी कारखानों में काम करते हैं। दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं एंड द कैपिटलिस्ट ऑफन एक्सप्लॉयटेड वर्किंग क्लास। और ख़ास करके जो कारखाने के जो मालिक थे किसान मजदूरों का शोषण किया करते थे। नाउ सेकेंड एंड नेक्स्ट थिंग वी सी द मास स्केल माइग्रेशन ऑफ पीजन टू सिटीज। और बड़े पैमाने पर हम देखते हैं किसान जो हैं अपना लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसीज एंड कमर्शलाइजेशन पे इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश कपल्ड विथ फेमिन मेड द लाइफ ऑफ द पीजेंट मिजरेबल्स। किसानों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैप्स क्रॉप खेती करने के लिए मजबूर किया जाता, साथ ही साथ अब लगान की दर बहुत ज़्यादा थी, किसान जल्दी दे नहीं पाते थे और आए दिन अकाल पड़ जाता था। उससे क्या होता था, किसानों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती थी और बहुत किसान लोग इसे मर जाते थे। जमींदारों के द्वारा मनी लेंडर के द्वारा दे ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड बाई दिस फार्मर्स बाई मनी लेंडर्स एंड जमींदार और किसानों के और जो साहूकार थे
कर्ज ले ले करके ये लोग लगान सरकार को देते थे, उस स्थिति में अनेबल टू रिपे द लोन लॉस्ट ओफन लॉस्ट देयर लैंड एंड वेयर रिड्यूस द लेवल ऑफ द लेबर्स। कभी कभी क्या होता था जब ये लोन अपना नहीं दे पाते थे उस स्थिति में इनकी ज़मीन चली जाती थी और मजदूर की स्थिति में आ जाते थे। इसी कारण बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर कारखाने थे वहाँ पर किसानों बहुत सारे गांव से किसान भाग करके अपने रोज़गार के तलाश में वहाँ चले गए और बहुत कम मजदूरी में वहाँ काम किया करते थे। ये नेक्स्ट वीडियो भी डिस्कस फर्दर। थैंक यू।